हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है आपकी गेमिंग। आई होप आपकी गेमिंग बहुत ही बढ़िया चल रहा है और भी ज़्यादा बढ़िया चलने के लिए आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ रियलमी 9 5G स्मार्टफोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो, उसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया धमाकेदार फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को लेकर। सो गाइस, सबसे पहले छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो को एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो रियलमी 9 5G स्मार्टफोन का बॉक्स हो गया है ओपन। ओपन करने के बाद ऊपर एक छोटा सा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर रियलमी की तरफ से एक सॉफ्ट TPU केस प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब गाइस लव लेटर भी रियलमी की तरफ से दिया गया है और एक सिम इजेक्टर 2 भी बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसको अभी साइड में रख दिया और साइड में रखने के बाद बॉक्स के अंदर देख सकते हो है हमारा डिवाइस रियलमी 9 5G। और उसके बाद गाइस यहां पर एक 18 वाट का फास्ट एडाप्टर दिया गया है, उसके साथ ही एक टाइप सी डाटा केबल भी बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, ये था रियलमी 9 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल बॉक्स कंटेंट। अभी एक धमाकेदार फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को भी देख लें। लेकिन गाइस, गेमिंग टेस्ट को देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे मेरा हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा तुम्हारे पास। सो गाइस, भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्री फायर गेम हो गया इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो डिफॉल्ट पर है, लेकिन जनरल को मैं यहाँ पर 100 कर दिया। उसके साथ रेड डॉट 4x 2x जो है उसको डिफॉल्ट पर ही छोड़ दिया। और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप आपके फोन के ऊपर रेड डॉट और जनरल सेंसिटिविटी को कितना परसेंट रखते हो। उसके बाद गाइस, डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टैंडर्ड पर है, लेकिन यहाँ पर मैं गेम को अल्ट्रा पर खेलूंगा। उसके साथ ही हाई डेस्क को हाई कर दिया, शैडो को भी गाइस यहाँ पर ऑन कर दिया, कलर फिल्टर को विविड कर दिया और जो हाई FPS मिलता है उसको हाई करके एक छोटा सा क्लैश कोड रैंक मैच स्टार्ट करते हैं। अभी गाइस देखते हैं क्लैश कोड रैंक मैच के अंदर कितना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन से मिलेगा, वो भी अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर। सो गाइस, क्लैश कोड रैंक का पहला राउंड हो गया स्टार्ट और पहला राउंड के अंदर मेरे हाथ में है M500 पिस्तौल। अभी गाइस देखते हैं इस फोन के मदद से M500 पिस्तौल के द्वारा कितने बंदों को मौत के घाट उतार सकता हूं। और उसके लिए गाइस मैं आपको सीधा फाइट सीन के ऊपर ले चलता हूं। और यहां पर गाइस देख सकते हो हम फाइट सीन के ऊपर आ गए और सामने है दो बंदा। एक को गाइस बहुत ही ओपी तरीके से 247 का एक वांट मार दिया और दूसरा बंदा पीछे से आ रहा था, इसको भी गाइस बहुत ही ओपी तरीके से मार दिया एक वांट। अब गाइस इस दोनों को फिनिश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा नेट का इशू है। देख सकते हो 500 का पिन चला गया है, वो वाईफाई के मदद से खेल रहा हूँ, उसके बाद ही 500 का पिन चला है। और लास्ट बंदा यहाँ पर जिंदा है, इसको भी गाइस हमारा एक बंदे ने मार दिया। और दोनों बंदे को वन टैप हेडशॉट मारने के साथ साथ ही पहला राउंड हम जीत गए। और पहला राउंड के अंदर मेरे को इस फोन का सेंसिटिविटी अच्छा ही लगा है, क्योंकि गाइस इस फोन के ऊपर आपको मिल जाएगा 90 Hz का डिस्प्ले, जिसका गाइस सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और उसके वजह से गाइस देख सकते हो यहाँ पर दो बंदे को वन टैप मारने के साथ साथ पहला राउंड खत्म कर दिया। अभी तो गाइस पहला राउंड ही खत्म हुआ है, पहला राउंड के अंदर ही मैं 2 हेडशॉट मार दिया और पूरा गेम पे तो अभी गाइस बाकी है। देखते कितने सारे बंदों को वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट मार सकता हूं। और यहाँ पर सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया है। अब सब लोग गेम प्ले को एंजॉय करते रहो, तब तक मैं इस फोन का जो हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशन है वो सारे स्पेसिफिकेशन आप सभी लोगों को बता देता हूँ। और गाइस आपको भी पता है कोई भी स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन बोलने से पहले मैं उस स्मार्टफोन का प्रोसेसर को देख लेता हूँ, क्योंकि प्रोसेसर जितना अच्छा रहेगा गेमिंग परफॉर्मेंस या डे टू डे मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस भी उतना ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा उसी स्मार्टफोन का। सो गाइस, गेमिंग के लिए प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर रियलमी 9 5G स्मार्टफोन के ऊपर जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो है गाइस मीडियाटेक की तरफ से डायमंडसिटी 810 5G चिपसेट। और यह चिपसेट एक ऑक्टाकोर 64-bit का चिपसेट है, जिसके अंदर प्राइमरी क्लॉक स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2.4 GHz और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा 2 GHz। और इस प्रोसेसर का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल कर आता है 322,000 के ऊपर, जो गाइस एक बहुत ही बढ़िया एंटूटू स्कोर बोल सकते हो प्राइस रेंज के हिसाब से। अभी गाइस इस प्रोसेसर का फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात कर तो आप सब लोगों को पता है फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब गाइस प्रोसेसर का नैनोमीटर साइज जितना कम होगा वो प्रोसेसर उतना ही बैटरी एफिशिएंस होगा, हीट भी कम करेगा और गेमिंग परफॉर्मेंस भी गजब का देखने के लिए मिलेगा उस प्रोसेसर का अंदर। और यहाँ पर डायमंडसिटी 810 प्रोसेसर का फैब्रिकेशन प्रोसेस है सिर्फ 6 nm, मतलब गाइस बहुत ही गजब का फैब्रिकेशन प्रोसेस यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से देखने के लिए मिल जाता है। और इसके वजह से ही ये प्रोसेसर उतना ज़्यादा हीट नहीं है, मतलब गाइस ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है
और गेमिंग परफॉर्मेंस भी तगड़ा वाला निकल कर देता है और बैटरी एफिशिएंस भी बहुत ही बढ़िया है इस प्रोसेसर का। सो गाइस, ये था Realme 9 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। अब गाइस इसी स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन को भी एक बार देख लेते हैं। Realme 9 5G स्मार्टफोन के ऊपर आपको मिल जाएगा 5000 mAh का एक मैसिव लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी, और इसी मैसिव बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा 18 वाट का एक फास्ट एडाप्टर। अगर गाइस यहाँ पर 30 वाट का एडाप्टर देता तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि गाइस 15000 प्राइस रेंज के अंदर आपको सभी फोन के अंदर 30 वाट का या 33 वाट का एडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के बाद आप देखते हैं डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन। Realme 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जिसका पीक ब्राइटनेस है 480 nits। उसके साथ ही स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.50%, मतलब गाइस बहुत ही कम बेजल्स आपको इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही गेमिंग के लिए आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, ये था डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन Realme 9 5G का। अब देखते हैं इस स्मार्टफोन का रैम और रोम वेरिएंट। Realme 9 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको दो ही रैम और रोम वेरिएंट देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर बेस वेरिएंट है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वेरिएंट जिसका प्राइस है 14,999 रुपीज। उसके साथ ही एक हायर वेरिएंट है जिसका गाइस रैम है 6GB और रोम है 128GB और इसका प्राइस है 17,499 रुपीज। सो गाइस, Realme 9 5G का रैम और रोम वेरिएंट के बाद आप देखते हैं कैमरा स्पेसिफिक। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाएगा रियर साइड के ऊपर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जहां पर मेन सेंसर है 48MP का, उसके साथ 2MP डेप्थ और 2MP मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, और जो फ्रंट कैमरा है इस स्मार्टफोन का वो है गाइस 16MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। और इस दोनों कैमरे के अंदर आपको 4K का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 1080p 30fps सेकंड के ऊपर। उसके साथ गाइस, इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है Realme UI 2.1 बेस्ड ऑन Android 11। सो गाइस, ये था Realme 9 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन बहुत ही बढ़िया है, और जिसके वजह से गाइस यहां पर देख सकते हो बुइया भी हो गया है और मैं ही MVP मार दिया, वो भी 6 kill के साथ। अभी गाइस हीटिंग इश्यू की बात करते हो, गर्मी का सीजन है इसलिए सभी फोन थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के ऊपर ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेसर सिर्फ 6nm आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है। उसके साथ लैगिंग इशू की बात करते हो, मेजर लैगिंग इशू भी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये था Realme 9 5G स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट। आई होप गेमिंग टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा है आपको, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय।